अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं उसामा इस्माइल और मैं फजाया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं, और आज हम आपको अपने मेडिकल कॉलेज का प्रॉपर विजिट करवाएंगे, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा हम आपको अपने कैंपस का विजिट करवाएंगे, जिसमें कैफेटेरिया, एक लग्जरी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू गाइस विल कम टू नो अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, जिसमें हम आपको फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको उसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड बी कनेक्टेड विद अस। सबसे पहले ये अपने मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस है, बहुत ही ज़बरदस्त, लाइक इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग है। कोई आप कह सकते हैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट अपना कॉलेज है, तारीफ करनी पड़ती है। ये देखिए, आप पार्लियामेंट में आ चुके हैं, कॉलेज तो सबसे पहले हम आपको अपना फिजियो डिपार्टमेंट दिखाएंगे। ये अपने फिजियो के डेमोज बैठे हुए हैं, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, बहुत ही गुस्सा करते हैं और बहुत ही गुस्से वाला डिपार्टमेंट है। सॉरी दोस्तों, अगर कोई देख रहा हो, माजरत। सो लेट्स स्टार्ट। ये अपना सबसे पहले अपना लेक्चर हॉल फर्स्ट ईयर का। हाँ जी, हाँ जी, ये अपना लेक्चर हॉल है, लाइट्स ऑफ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद हम आ रहे हैं अपनी फिजियो की लैब में, मोस्ट अवेटेड, बहुत ही मजे की लैब है, बहुत ही मजे के डेमोज हैं, लेकिन गुस्सा करते हैं। मैम सिद्रा के अलावा ये अपनी बहुत ही अच्छी एक साइकोलॉजिस्ट है। आपको कोई मसला हो, लाइक डिप्रेस हो, कोई मसले होते हैं ना, हज़ार मसले होते हैं इंसान की जिंदगी में, सो यू कैन कम एंड विजिट देयर इन आवर साइकोलॉजी लैब। लैब तो नहीं है, बस विजिट कर सकते हैं, कुछ भी है। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे आपको हमारी बायोकेमिस्ट्री लैब, डेमो रूम्स, म्यूजियम, ईच एंड एवरीथिंग, एनाटॉमी, हर चीज़ वहाँ पे कवर होती है। आ जाए, चलते हैं। सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ये था, ये सेकंड फ्लोर, उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वो हमें आपको रिजल्टी करता है, लेकिन करवाएंगे सी एस जी रूम दिखाएंगे आपको। सो दिस इज़ आवर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे एच ओ डीज बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, बहुत गुस्सा करते हैं ये लोग। और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने बायोकेमिस्ट्री का। यार यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैंने भी पूरा साल, दो साल पढ़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं है ये क्या क्या पढ़ा है। आई थिंक ये थर्मल साइकिलर है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या है, लेकिन बहुत सी चीज़ें, मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देख के हंसेंगे। सो ये हमारी बायोकेमिस्ट्री लैब है, आप देख लें। और अब हम चल रहे हैं एनाटॉमी म्यूजियम की तरफ, एनाटॉमी लैब की तरफ, और बहुत सारी चीज़ें और भी हम आपको दिखाते हैं। भाई ये जो होने वाला है ना, बहुत खतरनाक है, डाइसेक्शन ऑन एनाटॉमी, मुर्दा पड़ा होगा, सॉरी कैडावर पड़ा होगा, उसको आपने अंदर से ऐसे 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 निचोड़ के मसल्स को पढ़ना है। सो हम जा रहे हैं अंदर, आपको डिसेक्शन हॉल का विजिट करवाते हैं, उसके बाद आपको म्यूजियम का भी विजिट करवाएंगे, जहाँ पे एनाटॉमी की एक एक चीज़ पड़ी हुई है। आपको भाई अब सीनियर हो गया, हमने कोट उतार दिया, ये अपना डिसेक्शन हॉल, और यहाँ पे कैडावर तो नहीं है, खैर कैडावर खड़ा होता है, हमारी डिसेक्शन वगैरह होती है, तो अब वो नहीं है, तुम क्या कर सकते हो। और ये हमारे एस जी डी रूम्स हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारी 100 की स्ट्रेंथ है, तो उसे 6 बैचेस में डिवाइड किया जाता है, ए बी और सी, ए वन बी वन, ए टू बी टू, सी टू और सी वन और सी टू। ये अपना एक खूबसूरत सा ऑडिटोरियम की तरफ रोड जाता है, ऊपर हमारा ऑडिटोरियम है, बहुत ज़बरदस्त ऑडिटोरियम है, और ये नीचे एक लाइब्रेरी है। आ जाएं लाइब्रेरी चलते हैं, लेकिन वहाँ पे बोलने वाला मजाक नहीं होगा, मैं बोलूँगा नहीं वहाँ पे, चले आ जाएं लाइब्रेरी देखते हैं, और देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं, लेकिन ज़रूर आएगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा माहौल है, आपको हर तरह की किताबें मिल जाएंगी यहाँ पे। सो आ जाएं चलते हैं।
यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फजाया मेडिकल कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स ने आना है वो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग ये समझते हैं कि अगर नम्स आपका पेपर ले रहा है, नम्स आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, तो पेपर प्रॉफ के पेपर भी नम्स ही आपके लेगी, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगर आप नम्स के थ्रू आ रहे हैं तो नम्स सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, नम्स ने सिर्फ आपको फजाया मेडिकल कॉलेज तक लेके आना है। जो आगे की आपकी डिग्री होगी, जो आगे का आपका सारा स्केड्यूल होगा, वो आपको एयर यूनिवर्सिटी जारी करेगी, और ये एक बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल में अपने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है। सो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपका पेपर एयर यूनिवर्सिटी लेगी, डिग्री भी आपको एयर यूनिवर्सिटी देगी। उसके बाद जो और एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए स्पेशली, वो ये है कि यहाँ का अपना हॉस्टल नहीं है, यहाँ के जो FMC का अपना कोई प्रॉपर इंटरनल हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स का है लेकिन बॉयज़ का नहीं है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो भी 2/3 होती है। गर्ल्स अपना अगर 100 की स्ट्रेंथ है तो 66 गर्ल्स हैं, तो उनका अपना हॉस्टल अरेंज हो जाता है, बट बॉयज़ को अपना हॉस्टल खुद अरेंज करना होता है। ये दो चीज़ें, और मेन जो चीज़ मेन है या नहीं है, मेरिट मेन चीज़ है। मेरिट में जो हमारी क्लास थी उसका मेरिट 90 तक रुका था, जो 75 सीटें हैं, और जो बाकी एयरफोर्स की सीटें हैं या जो फॉरेन सीटें हैं उनका मेरिट नीचे आता रहता है। इसके अलावा इस साल जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, हो सकता है कि वो 88-87 इससे अबव तक जाए, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज की इस साल की जो रिन्यूड मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है वो थोड़ी फजाया की ऊपर हो गई है, 10-15 लाख का गैप आ गया, क्योंकि करेंसी भी डाउन हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा गैप है इसमें। और पिछले साल हमारी फ़ीस जो थी वो थी एटलीस्ट 77 लाख, और जो न्यू इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस मे भी 93-94 तक होगी। तो ये भी एक है, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ें इतनी रह गई हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी चाहिए। यार आ जाओ, अच्छा माहौल है, अच्छी कैंपस लाइफ है, यू विल एंजॉय इट। 5 साल की डिग्री है, मज़े करोगे। पोश एरिया है, इस्लामाबाद का पोश एरिया है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है।